छोले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन मेरे बताए तरीके से छोले बनाइए तो आप उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ब्रेकफास्ट और टिफ़िन रेसिपी। तो देखिए, मैंने अदरक, प्याज और हरी मिर्च ले लिए, इनकी कटिंग कर ली है। इनको कर लेते हैं चॉप। देखिए, मैंने इनको चॉपर में बारीक सा चॉप कर लिया है। पनीर का टुकड़ा ले लिया है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये छोले हैं, इनको मैंने रात में भिगो के रख दिया था, अब इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। छोले हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो सब्जी की सारी तैयारी हो चुकी है। टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो गैस पे कढ़ाई रख दी थी, उसमें डाल दिया जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, हींग, अदरक, हरी मिर्च और प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी। काली मिर्च डाली है सूखी और एक डाली है लौंग। इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज हमारी हल्की ब्राउन ना हो जाए। उधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, तो साथ में एक सूखे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी में आधी लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग मसाला ले लिया है, उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो देखिए, मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पानी डालने के बाद। इधर हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार करके रखा था। अब मसाले को हमने अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक कि मसाला हमारा ऑयल ना रिलीज़ कर दे। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए छोले, इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच ढक के पका लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए छोलों में। और साथ में बनाए हैं तिकोने पराठे। तो ये चना मसाला है, हम चम्मच भर के डाल देंगे चना मसाला। अब डाल देंगे हम कटा हुआ पनीर, मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़, रेसिपीज़, किचन ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला, तो लीजिए, तैयार है हमारे छोले पनीर की टेस्टी और मज़ेदार सी सब्ज़ी। हरा धनिया डाल दिया है। अब डाल दिया इसमें आधी कटोरी फ्रेश मलाई। मलाई को अच्छे से फेंट लिया था और इसमें डाल दिया। एक बार आप इस तरह से छोले बनाएंगे तो आपके छोले एकदम बढ़िया और टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो देखिए, कितने बढ़िया गर्मा गर्म छोले पनीर हमारे बन के हो चुके हैं तैयार। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब कर देते हैं बच्चों का टिफ़िन तैयार। छोले डाल दिए हैं और एक में डाल दिया तिकोना पराठा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।